Hi everyone, I'm back. My name is Vishalkant Ranga from the team The Right Admission Private Limited. तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ SGRD अमृतसर के बारे में, श्री गुरु रामदास मेडिकल कॉलेज जो कि अमृतसर में लोकेटेड है. अगेन इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, फीस, कट ऑफ, हॉस्पिटल के बारे में, इसके गुड एंड बैड पॉइंट्स. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले, ये पंजाब का एक बहुत ही पुराना कॉलेज है जो कि 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था. ये एक प्राइवेट सिख माइनॉरिटी कॉलेज है, यानी कि यहाँ पर जो सीटें हैं वो सिख माइनॉरिटी के लिए भी रिजर्व्ड हैं. इसकी काउंसलिंग अथॉरिटी पंजाब के बाकी कॉलेजेस की तरह बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के पास है जो कि फरीदकोट में है, तो इसकी एफिलिएशन वहाँ से है. इसका सारा सिलेबस, सारे एग्ज़ाम्स, सब कुछ वहीं से ही तैयार होकर आते हैं, वहीं इनको कंडक्ट करवाते हैं. तो यहाँ पे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सीट के बारे में कि कितने टाइप्स ऑफ सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर माइनॉरिटी सीट्स हैं एंड मैनेजमेंट सीट्स हैं. तो जो अगर मैं फ़ीस की बात करूँ कि भाई मतलब दोनों सीट्स की फ़ीस क्या है, तो चाहे वो माइनॉरिटी की फ़ीस हो चाहे वो मैनेजमेंट कोटा की फ़ीस हो, वो दोनों के लिए सेम है. किसी तरह की कोई फ़ीस में रिलैक्सेशन नहीं है. बल्कि अगर यहाँ पर हम बात करें फ़ीस की, जैसे तो यहाँ पर जो भी आपकी टोटल ट्यूशन फ़ीस है उसके ऊपर कुछ एक परसेंटेज एक SGPC की पर्ची भी कटती है, जिसकी वजह से आपका जो बजट है वो इंक्रीज़ हो जाता है. लगभग उसकी अमाउंट 7-7.5 लाख रुपए के आसपास रहती है, जो कि वो आपसे 3 इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं. तो फ़ीस की बात करें, अगेन 9,92,000 रुपये पर एनम यहाँ पर इनकी ट्यूशन फ़ीस है. हॉस्टल, मेस, मिसलेनियस खर्चे ऐड ऑन्स होंगे, और जो मैंने आपको SGPC की पर्ची के बारे में बताया वो पर्ची कटेगी, तो जिससे आपका जो टोटल बजट है वो लगभग 73-75 लाख रुपीज़ के आसपास आपको पड़ता है, चाहे आप माइनॉरिटी की सीट लीजिए चाहे आप मैनेजमेंट की सीट लीजिए. कोर्सेज की बात करें, यहाँ पर UG और PG दोनों कोर्सेज रन हो रहे हैं, तो अगेन इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, बिकॉज आपको ऐसा कॉलेज ही चूज़ करना चाहिए जहाँ पर ये दोनों कोर्सेज ऑलरेडी रन हो रहे हों, क्योंकि इसका आपको बेनिफिट्स अकेडमिक्स में, पेशेंट इनफ्लो में और आपके एलुमनी बेस में दोनों तरफ आपको देखने को मिलता है. पेशेंट इनफ्लो की बात करें तो एक बहुत बढ़िया पेशेंट इनफ्लो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. अगर हम कंपैरिजन करें अपने पिछले दो वीडियोस के कॉलेजेस के मुकाबले में, तो यहाँ पर आपको अच्छा पेशेंट इनफ्लो देखने को मिलता है. सिटी से थोड़ा बाहर लोकेटेड है, बट स्टिल आसपास के लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज चीप है, कोई ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं करते, लोगों का ट्रस्ट बिल्ट अप हो चुका है, बहुत ज़्यादा पुराना कॉलेज और हॉस्पिटल होने की वजह से, तो यहाँ पर आपको एक बहुत बढ़िया पेशेंट इनफ्लो भी देखने को मिलेगा. लोकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि इट इज़ आउटसाइड द अमृतसर सिटी. हॉस्पिटल की बात करें तो 1000 बेड्स का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ठीक है. पेशेंट इनफ्लो अच्छा है यहाँ पर. बजट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 73-75 के बीच में रहता है. सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं. अगर हम यहाँ पर माइनॉरिटी की बात करें तो माइनॉरिटी के लिए जो सेफ स्कोर रहेगा वो 320 प्लस आपके लिए एक अच्छा सेफ स्कोर है. और अगर आप मैनेजमेंट हैं, यानी कि अदर देन सिख माइनॉरिटी पीपल हैं, ठीक है, किसी और रिलीजन को बिलोंग करते हैं अदर देन सिख, तो यहाँ पर आपका जो स्कोर रहेगा सेफ वो 420 प्लस का रहेगा. तो इस स्कोर रेंज में मेरे को लगता है कि दीज आर द वेरी बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल, ठीक है, इन पंजाब. तो इसके अगर गुड और बैड पॉइंट्स की बात करें, तो इसके गुड पॉइंट्स है कि इसकी OPD बहुत अच्छी है, अकेडमिक्स बहुत बढ़िया है और कॉलेज बहुत ज़्यादा वेल डिसिप्लिनड है. तो यहाँ पर आपको ये तीनों चीज़ें बहुत बढ़िया देखने को मिलती हैं. डीमेरिट्स में आ जाता है कि एक तो इसकी फ़ीस कंपैरेटिवली पंजाब में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, तो जितने भी पंजाब में कॉलेजेस अवेलेबल हैं उनमें से सबसे महंगा कॉलेज SGRD है. और इसी सेम स्कोर रेंज में, इसी सेम बजट में आपके पास SGRD से भी बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर आप पंजाब से बाहर मूव करते हैं. तो हमेशा अपने अदर ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करते रहिए, बिकॉज आपके जो पैसे लग रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आपको वाइजली इन्वेस्ट करने हैं, बिकॉज ये आपके आगे वाले PG कोर्स को भी डिटरमाइन करने वाले हैं. तो एक बार अपने बेटर ऑप्शंस को जानने के लिए आपके पास जो भी आपके काउंसलर्स हैं उनके साथ डिस्कस कीजिए और अपने बेटर ऑप्शंस निकालिए. एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, आप वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहना जब भी काउंसलिंग शुरू होगी, बिकॉज जो सिख माइनॉरिटी की वेरिफिकेशन है वो राउंड 1 काउंसलिंग से पहले होगी, यानी कि जब राउंड 1 ऑफ काउंसलिंग शुरू होगा उससे पहले ही सारे सिख माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, उनकी फिजिकली वेरिफिकेशन करी जाएगी, उनके डॉक्यूमेंट्स की देखा जाएगा कि क्या वो एक्चुअली फॉल करते हैं इसमें. फिजिकली ये भी चेक किया जाएगा कहीं बच्चे ने केश वगैरह तो नहीं काटे हुए, बाल कटिंग वगैरह तो नहीं करी हुई, तो ये सब चीज़ें वो फिजिकली चेक करेंगे. तो बी इंश्योर्ड कि आप कोई भी ऐसे गलत तरीके से ये कोटा अवेल ना करें.
अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कीजिए, और आपको और भी वीडियोस जो कॉलेजेस के बारे में जानना है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।